सकत जी महाराज की जय हो। एक हते पंडित एक हती पंडिताइन, बहुत उनके गरीबी के रे दिन हते, उनके में खान पीन का जो नहीं, सकट के रो दिन आओ तो उनके में बहुत गरीबी। पंडिताइन के रे बिटिया बुलेबे को बहू पठेबे का जे, और पंडिताइन के रे बच्चा हुनका जे, घर में कुछ नहीं सकट के रो दिन। पंडिताइन ने पंडित पर कही, पंडित महाराज जाओ कहूँ सर लैया बो जाए तो घर की पूजा उजा हो उनका जे, बिटिया बुलाओ उनका जे, बहू पठा बहू बुलाओ बिटिया पठाओ उनका, और आज सकट दिन ही पूजा कैसे हुई। तब पंडित महाराज कान ले कहाँ जाए सब कहूँ हुई है, हमें तो कुछ मिलो ही नहीं, कोई दे नहीं रहो है, और जो है वह सर पूजा करो। तो पंडिताइन ने कहा नहीं कुछ घर में है ही नहीं, पूजा कहाँ से रे करे। पंडिताइन ने कही जाओ साहूकार के रही आज रात में ये चोरी कर ली है जाए। तो उनने कहे कि हमने कभी चोरी नहीं करी, हम चोरी कहाँ से रे कर ली हो जाए। तो वही जो होते पंडिताइन ने बहुत कही, तो पंडित कहने ठीक पंडित भाई रात का जे। पंडिताइन कह रहे पंडिताइन पंडित रात का चोरी कर साहूकार घर पहुँच गए, तो उनके अरे में कपड़ा लौना ही थे इतने कि इतनी गरीबी थी कि कपड़ा नहीं थे जो पंडिताइन पहने रहती। पंडिताइन ने अपनी साड़ी दे दी और घर में टटिया लगी थी, अपनी टटिया बंद करके बैठी गई रात भैया। तब तो पंडित जो होते साहूकार के रे हैं सेंध लगाई दे उनकी दुकान में, यहाँ सेंध लगाए के रे रात भर बैठे रहे बैठे रहे। चोरी कर उन्हें कभी करी नहीं थी, तो उनको चोरी करने के लिए हिम्मत ही नहीं हुई, मन ही नहीं हुई। तो कहाँ तिल छुआ तो पाप गुड़ छुआ तो पाप, तिल छुआ तो पाप गुड़ छुआ तो पाप, तिल के तिर जाए तो कहाँ नाई चुराई वो पाप हो गई, गुड़ के तिर जाए तो कहाँ नाई चुराई वो पाप हो गई। तो ऐसे ऐसे रात भर कहते रहे तिल छुआ तो पाप गुड़ छुआ तो पाप, तिल छुआ तो पाप गुड़ छुआ तो पाप, कहते कहते उन्हें सवेरो हुई गो। उन्हें चोरी नहीं करी, सवेरे साहूकार के नौकर ने रे जब दुकान खोली तो वही माँ सेंधी लगी देखी, सेंधी लगी देखी, तब टार्च जला के देखो वहाँ पंडित बैठे। नौकरन ने पकड़ लो पकड़ के साहूकार तिल लिया, कहले साहूकार साहब ये पंडित महाराज घर की दुकान हम चोरी करते थे ले भी नहीं हम पकड़ लिया। साहूकार ने कही के पंडित तुम तो पंडित गांव के रहे हो, तुम चोरी करने हमारी दुकान में ही आए, ये का है चोरी का है करी। तो साहूकार ने कही महाराज हमने चोरी ना ही करी है, या तो चोरी करन है तेन, लेकिन अगर चोरी हमें करना होती तो करी के हम कब के निकल जाते न बैठे हमें थोड़ा उड़ाते। और हमारे भाई इतनी गरीबी है कि आज के दिन पर हम घाई सकट को दिन हमारी बिटिया बुलेबे का, बिटिया का जे ससुरे पटेबे को, बहू का जे घर ही बुलेबे, हमारी पंडिताइन के रे बच्चा उनका जे है, और सकट को दिन वही हमारे घर में कुछ ना है जो हमारी पंडिताइन पूजा लो करी। तो हमारी पंडिताइन ने कही जाओ चोरी कर लिया, हमने बहुत मना करो। तो पंडिताइन निकालने की जब ज़्यादा मुसीबत पड़ी हो तब चोरी वोरी करे कोई दोष नहीं लगता तो हम आए, लेकिन हमारा मन नहीं भाई वो चोरी करता हो पे हम बैठे रहे। साहूकार ने अपने नौकरन पर यहाँ भेजो कही जाओ देखिया बोझे का पंडित सही बोलती है कि झूठी बोलती। साहूकार के रे नौकर जब पंडिताइन यहाँ गए तो टेरन पंडित 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 कहाँ आओ पंडित आवो। तो पंडिताइन का नहीं देखो मेरे घर ही नहीं हो कोई लोग, हम धोती पहने नहीं है ना, हमारे पंडित साहूकार घर चोरी करन गए, हमने धोती में यहाँ दे दई है अपने वह मैं हमने कई सामान भर लिए हो, हमारे घर ही कोई लोग घुसी हो ना। नौकर आए साहूकार बताए नहीं आए, साहूकार ने कही अच्छा ऐसी बात। तो साहूकार ने रे पंडित महाराज पर कही कि जाओ पंडित महाराज हमारी दुकान में से जितो तुम सामान ले जाई पाओ उतो ले जाओ, अपनी बिटिया पठाई दे जाए, अपनी बहू बुलाए लो, पंडितानी बाली बच्चा हो जितो खर्चा लगे उतो हम सब तुम्हें दीबो, खूब धूमधाम से रे सकट की पूजा करो जाए। तब साहूकार महाराज उनके उन पर पंडित बनिया बहुत खुश हुई गए। तो भैया सकट महाराज जैसे पंडित महाराज के रही पर यहाँ दया करी साहूकार ने वैसे सफर दया करें, सकट महाराज तुम्हारी कृपा सफर बनी रहे। बोलो सकट महाराज की जय।